हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर्स, क्या आपके एक्स, क्या आपके लवर, या जिनको भी आप मिस करते हैं एनर्जेटिकली, जिनके साथ भी आप अटैच हैं और जिनके लिए आप प्रेयर करते हैं कि काश वो लौट कर आपके लाइफ में दोबारा आ जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, चाहे आपके हस्बैंड हों, चाहे आपके लवर हों, चाहे आपके क्रश हों, चाहे आपके फ्रेंड हों, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए कि क्या वो लौट कर आएंगे, क्या कभी वो आपके पास आएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा। इस बार है हमारे पास 2 piles, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आपको इंट्यूटिवली जोन सा भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करना है मेडिटेट करके, एंड वहीं से अपनी वीडियो को देखना स्टार्ट करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू। जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, उसको अपने पास रखिए एंड लीव द रेस्ट। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने ये रेड वेट टैरो डेक चूज किया है, देखते हैं आप लोगों के कार्ड्स क्या कहते हैं कि क्या वो लौट कर आएंगे। किंग ऑफ वैंड्स का फर्स्ट कार्ड है एरीज लियो साज आपके पर्सन हो सकते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। वाओ 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 वाओ, अगर आप लोग इनके लिए बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे हो, मैंने ठीक से लगा दिए कार्ड, अगर आप लोग इनके लिए काफ़ी प्रेयर कर रहे हो, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपको डिवाइन पर पूरा भरोसा है, खुद पर पूरा भरोसा है, तो मैं बता दूं कि आपके लाइफ की न्यू बिगनिंग जरूर होगी। ये पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के मुझे हस्बैंड वाइफ कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ है ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, बट मैक्सिमम के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम के बाद आपके पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उनका ध्यान कहीं और जाने लगा, एंड जब आपको पता चला तो एक सेपरेशन फेज आया एंड इस पर्सन ने आपको ठुकरा कर किसी और को चूज़ किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज के टाइम किसी और को चूज़ कर लिया हो, बहुत टाइम से GF BF रहे हों, लेकिन मैरिज के ड्यूरिंग या फिर मैरिज के लिए आप लोगों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं कि इस पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी लुक के बारे में सोचा, अपने लाइक्स के बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा ही नहीं, और एक बहुत ही रूड वे से डिसीजन लेकर ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया या फिर चली गई। एंड आप लोग इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, एंड आपको होप है कि एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के लाइफ में डेफिनेटली होगी। एंड मैं बता दूं कि उस टाइम ये पर्सन बेशक आपको छोड़ के चला गया था, बट अब ये पर्सन आने वाला है या फिर आने वाली है। ही और शी इज़ रेडी फॉर यू, ठीक है, फॉर गिविंग यू कमिटमेंट और फॉर गेटिंग रिकन्सिलेशन विद यू। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेडी तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा इसे कि कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, कैसे रिकन्साइल किया जाए, कैसे कमिटमेंट दिया जाए, बात को शुरू कैसे किया जाए। बिकॉज जब इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया एंड उस टाइम आपको बहुत हर्ट हुआ, बहुत आपने इन्हें बोला भी कि आपके लिए रुक जाए, बट इन्होंने एक नहीं सुनी एंड बहुत पेन आपको दिया है। अब जब ये वापस आना चाहते हैं या फिर आना चाहती हैं, तो इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कनेक्शन दोबारा बिल्डअप किया जाए। इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा झेलना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा आप एक इंसल्ट भी इनकी हो सकती है एक लेवल पर, एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लेकिन स्टिल अगर इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली है तो चाहकर भी ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, और अगर नहीं की है तो कहीं ना कहीं इन्हें गिल्ट काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ों को सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि किस तरह से आपके साथ दोबारा से सब कुछ चीज़ें सही की जाएँ, रीबिल्ड इस कनेक्शन को किया जाए। लेकिन अगेन आगे द सन का कार्ड है, तो जिन लोगों की मैरिज किसी और पर्सन से नहीं हुई है उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है। दैट मीन्स ये पर्सन अभी रेडी है लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ पा रहा है। मे बी कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोगों के इन लॉज इनको आने नहीं दे रहे हैं, और अगर इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ किया था एक टाइम पे, तो वो पर्सन, वो रिश्ता इनको आने नहीं दे रहा है, जबकि उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, बट स्टिल वो मैनुपलेट कर रहा है या कर रही है इनको, जिसकी वजह से ये चाहकर भी स्टक हुए पड़े हैं, बट ये बहुत जल्दी आपके तरफ एक पॉजिटिव वे से बढ़ेंगे। तो रिकनसाइल भी पॉसिबल है यहाँ पर एंड मैरिज भी पॉसिबल है, लेकिन मैं बता दूँ टैरो रीडिंग्स हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताती है। दैट मीन्स जो आपकी एनर्जीज हैं आपकी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हैं और उस एनर्जीज़ को हाई कर रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है
कि 110% आप लोग ग्रांटेड लेके चलो, एफर्ट्स आप लोगों को करने हैं एंड डिवाइन और सोर्स को ही पता है कि अल्टीमेटली आपको कब और कैसे और किस तरह से देना है. ओके तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी है. बात की जाए कि क्या वो लौट कर आएंगे तो डेफिनेटली. एंड और कार्ड्स चेक किए जाएँ तो जजमेंट का कार्ड है. आप लोगों के लाइफ में जस्टिस होगा, आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, न्यू बिगनिंग होगी एंड इस रिलेशनशिप में एक न्यू हैप्पीनेस आएगी. एंड जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है. अगर आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी बच्चों के साथ, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो फीमेल्स हैं और उनके बच्चे हैं और वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं, तो आपके हस्बैंड रिकनसाइल करेंगे. एंड ये देखिए ये कार्ड जो आया है ये रिवर्स में आया है. दैट मींस आपको फ्यूचर की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एंग्जाइटी को छोड़ दीजिए एंड आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. जिस वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस वजह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत जल्दी चीज़ें आपके फेवर में होंगी. एंड बॉटम ऑफ द डेक में चेक करूँ तो टू ऑफ वैंड्स है, जो कि अगेन बताता है कि थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे. किंग ऑफ सोर्ट्स वाली पोजिशन में आएंगे. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब ये भागेंगे नहीं, रिकन्सिलेशन करेंगे, मैरिज करेंगे, कमिटमेंट देंगे. तो ये थी जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया उन लोगों के लिए रीडिंग. आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी. अगर की है तो प्लीज़ लाइक, डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग. एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स. बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे. वेलकम पाइल टू जिन्होंने ये ओशो ज़ेन का डेक चूज़ किया है. देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं कि दिस इज जनरल रीडिंग. मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू. जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट. Your first card is the Rebel and your second card is the Miser. Your third card is the Outsider. The Outsider. Guys, आप लोग मुझे बहुत सारे लोग लिविंग में या फिर मैरिड लग रहे हैं जिनका आफ्टर मैरिज एक सेपरेशन फेज चल रहा है और आप लोग वेट कर रहे हैं कि क्या ये पर्सन लौट कर आएंगे. राइट आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं सन मून राइजिंग साइन में या फिर आप हो सकते हैं. एंड ईगोइस्टिक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा है. इवन इन्होंने तब ईगो में आके, जेलेसी में आके या फिर गुस्से में आके आपसे सेपरेट होने का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब आपको भी पता होगा इंट्यूटिवली कि ये पर्सन अब हैप्पी नहीं है. नाउ ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू. रीज़न कुछ भी हो, यहाँ पे रीज़न मुझे सोसाइटी दिख रही है, फैमिली दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है. इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन दैट मीन्स कोई रोमांटिक अफेयर इनका नहीं दिख रहा है, बट फैमिली, सोसाइटी, जिसके सामने इन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए आप लोगों से एक सेपरेशन फेस बना रखा है. लेकिन आफ्टर डैट ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. इनका आपके बिना मन नहीं लगता, ये आपको मिस भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा. ये जस्ट लाइक किड वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ सही हो जाएं, लेकिन चीज़ें सही होती हुई दिख नहीं रही हैं. एंड अगर मैं और कार्ड चेक करूं जो कि शफल करके मैंने ऑलरेडी डेक रखा हुआ है, तो ब्रेक थ्रू, आप लोगों का ब्रेक थ्रू इस तरह से हुआ है जिसके बाद सिर्फ ना केवल आप टूटे हैं, इवन आप टूटे थे और आप अभी भी टूटे हैं, बल्कि पहले से आप बैलेंस हैं. लेकिन ये पर्सन कि अगर अभी की बात की जाए तो ये पूरी तरह से टूट चुका है. जिस सोसाइटी, जिस फैमिली को ये पीछे लगकर इन्होंने आपको ठुकराया था, अब वो फैमिली ही इनको नहीं समझ पा रही है, इनके पेन को नहीं समझ पा रही है, इनकी तकलीफ़ों को नहीं समझ पा रही है. ये पर्सन कहीं ना कहीं अलोन होकर रह गए हैं. ये आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं. अगर इन्होंने फैमिली के पीछे लगकर आपसे मैरिज नहीं की, रिलीजन, इंटरकास्ट, जो भी इशू था, तो ये मैरिज भी करना चाहते हैं. एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज़ कॉन्शियसनेस. ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी. अपने आप ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इनकी एनर्जीज अभी वैसी नहीं है कि जल्दी से ये आपके लिए एक्शन लें. सो सॉरी फॉर दिस गाइज. इवन ये पर्सन चाहते हैं आपसे रिकनसाइल करना. इवन ये पर्सन पूरी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. इवन ये पर्सन और आप एक दूसरे को ड्रीम में फील करते हो. इवन ये पर्सन करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. इवन ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ में एक अच्छी एग्जिस्टेंस फील करते हैं, लेकिन स्टिल इनको अभी क्रिएटर की एनर्जी में आने में टाइम लगेगा. अभी ये आउटसाइडर की एनर्जी में है, जहाँ पे जस्ट बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये आउटसाइडर हैं, जैसे इनके आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे ये आपको लाइक नहीं करते, जैसे आपको पसंद नहीं करते, जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनसे दूर हो.
लेकिन इनसाइड में ये टूट चुके हैं, ये बहुत डिप्रेस हैं, ये बहुत सैड हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे रिकनसाइल चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, सेपरेशन फेज को ओवर कर देना चाहते हैं, लेकिन जर्नी अभी लॉन्ग है गाइस, जर्नी अभी लॉन्ग है। रिकनसिलेशन पॉसिबल है, लौट कर आएंगे वो भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत जल्दी आएंगे वो पॉसिबल नहीं है। चीज़ें अभी टाइम लेंगी, चीज़ें अभी टाइम लेंगी, इनकी जर्नी अभी लंबी है, इनकी एनर्जी अभी बहुत लो है, और एक डिसीजन लेने के लिए चाहे वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो चाहे वो फैमिली के अगेंस्ट हो, एनर्जी का बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और वो पावर इनमें नहीं है। तो काफ़ी लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इवन ये चाहते हैं तब भी नहीं आ पाएंगे, और जिनके लिए आएंगे भी तो उनके लिए टाइम लगा कर आएंगे, जल्दी से तो आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन गाइज आप लोगों को निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग इनसे डिफरेंट हो सकती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिफरेंट हो सकते हैं। आपके लाइफ के आप ड्राइवर हो, अगर अब भी आपको पता चलता है कि एनर्जी पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव करो, सो दैट इन फ्यूचर ये पर्सन आपके पास जल्दी से जल्दी लौट कर आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर।